हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत मेरे साथ जो ख़राब एक्सपीरियंस अभी मेरे में सफ़र कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से वो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ सिनेरियो हुआ क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बोलता हूँ, एक साइट है जो सर्विस के लिए आपकी कार और बाइक की सर्विस करती है, वो आपके घर से पिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे। गो बम्पर है उसका नाम। बिल्कुल भी यूज़ मत करना, बिल्कुल भी यूज़ मत करना वो साइट। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, उससे बेटर है आप गैरेज, जो लोकल गैरेज होता है उसमें चले जाओ, बट वहाँ बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। कल 12 बजे उन लोगों ने मेरा बाइक पिक किया और मेरे बाइक में सिर्फ एक इशू था कि मेरे को स्प्रॉकेट का रबर लगवाना था, बस और कोई इशू नहीं था मेरी बाइक में। बट उन्होंने जब मेरे को मतलब 12 बजे उन्होंने बाइक लिया, उस टाइम मैंने उनसे कंफर्म किया था कि मेरे को आज बाइक मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला हाँ पक्का मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है मिल जाएगा। उसके बाद में मेरे को आज 4:30 बजे उनकी सुपरवाइजर का कॉल आता है कि हमने आपका बाइक चेक कर लिया है, हम आपको एस्टिमेट भेज रहे हैं, वो पार्ट्स आपका लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है जो पार्ट्स लगेगा अब लिस्ट भेज दो, बट अभी तो इतना लेट हो गया, 4:30 हो गया है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, आज हम लगा के दे देंगे आराम से। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर तुम सब कर देते हो, कर दोगे एक दिन में, तो ठीक है कोई बात नहीं लगा दो। एस्टिमेट भेजते हैं, स्प्रॉकेट लगेगा, पूरा चेन स्प्रॉकेट चेंज होगा। मेरा चेन स्प्रॉकेट न्यू है, 8,000 किलोमीटर हुआ है सिर्फ उसको। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों चेंज होगा, तो उन्होंने बोला कि सर वो खराब हो गया। तो उन्होंने 2100 लगा एस्टिमेट डाला था। तो मैंने जब उनसे पूछा वो चीज़ कि आपने 2100 में कौन सा वाला चेंज स्प्रॉकेट यूज़ करा, तो उन्होंने बोला कि हम ओरिजिनल मतलब जो शोरूम वाला है वही यूज़ करेंगे, और शोरूम वाला जो डोमिनर का आता है चेंज स्प्रॉकेट वो 3,000 रुपीज़ का आता है। तो वहाँ पे मेरे को डाउट हुआ। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ब्रेक पैड्स हम लोग चेंज करेंगे, जबकि मेरे ब्रेक पैड्स दोनों न्यू हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं डाउट हुआ। फिर उसके बाद वो जो लोकेशन आ रहा था मेरे ऐप में, वो मैं गया उनके पास में कि मैंने देखा कि यार ये लोग बाइक में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ज़रा देख के आऊँ। जब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरी बाइक की सर्विस शुरू ही नहीं की, बाइक एज इट इज़ पड़ी थी वहाँ पे। तो मैंने बोला कि मैं कल ले आऊँगा बाइक को, आज रहने दो। तो उन्होंने मुझे बाइक दी नहीं, वापस रिटर्न नहीं की उस टाइम पे, वो बाइक उनके पास ही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मेरे को मेरी बाइक नहीं मिली है। सोचिए, आज भी मेरे को मेरी बाइक नहीं मिली है। तो 2 दिन से मेरी बाइक सर्विस सेंटर में ही है, और अभी भी मैं पूछ रहा हूँ तो वो मुझे बोल रहा है कि सर एक पार्ट नहीं आया है, वो पार्ट आ जाएगा तो हम लगा देंगे, फिर आपको देंगे, कल 12 बजे देंगे। सोचिए, तो मतलब जहाँ मुझे एक दिन में मिला था, अभी 2 दिन में मेरे को बाइक नहीं मिली है। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। देखिए, स्टिल ऑन गोइंग, मेरा बाइक का सर्विस स्टिल ऑन गोइंग। सी, रिपोर्ट चेक, देखिए 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं इस चीज को, और अभी तक में बाइक नहीं मिला है। अब मेरी मुझे ये भी नहीं पता है कि कल जब मेरे को बाइक मिलेगी, इश्यू रिजॉल्व हुए होंगे कि नहीं, उन्होंने कौन से पार्ट चेंज किए होंगे कि नहीं। मुझे तो लग रहा है भाई ये लोग एकदम ही 2 नंबर वाले लोग हैं, ये मेरे को पता नहीं है क्या करके देंगे। सो माई TVS या फिर गो बम्पर बिल्कुल भी आप यूज़ मत करना, ठीक है। मैं अभी करेंटली बैंगलोर में हूँ और मेरे को बहुत इश्यूज आ रहे हैं सर्विस कराने में बाइक, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा इशू ये आता है कि मेरे को ना ट्रस्ट इश्यूज हैं, मैं अपनी बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी को भी पता हो ये चीज़ कि जो बाइक सर्विस जो होती है बैंगलोर में, ऐसा कोई अच्छा गैरेज अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहा हूँ। सर्विस सेंटर में भी जाता हूँ तो बोलते हैं छोड़ के जाओ, बाद में लेके जाना, कहीं पे भी जाओ यही बोलते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं पता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर।